आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने जीमेल अकाउंट को कैसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। इसके दो माध्यम है। सबसे पहले आप अपने बैंक में जाके वहाँ पे करा सकते हैं या आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है और आप SBI योनो ऐप का यूज करते हैं तो आप बड़े आराम से घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने बैंक अकाउंट से अपना जीमेल अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। तो हालांकि मैं आपको इसके फायदे बता दूंगा, जैसा कि आप अपने बैंक अकाउंट से अपना जीमेल अकाउंट जब लिंक कर देंगे तो आपके अकाउंट से कोई भी हरकत होगी तो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको जीमेल पे, या आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं या कोई भी रिचार्ज करते हैं तो आपको तुरंत जो है आपका पूरा डेटा जो है सारा डिटेल आपके जीमेल पे भेज दिया जाता है। आप चाहे तो उसे प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं या देख भी सकते हैं। और जो है दूसरी बात, अगर बैंक से कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी आपके अकाउंट से कोई हरकत होता है या बैंक से कोई निर्देश वगैरह होता है या आप बैंक से संपर्क करना चाहते हैं तो आप जीमेल से ही संपर्क कर सकते हैं अगर आपका जीमेल अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक है। तो चलिए इसे कैसे आप लिंक कर सकते हैं और आप अपने खाते की हर एक हरकत को कैसे देख सकते हैं यानी कैसे नज़र रख सकते हैं आप अपने जीमेल अकाउंट लिंक करके अपने बैंक अकाउंट से, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करिए। अगर आपका SBI योनो ऐप में यूजर ID पासवर्ड बनाना है और आपके पास नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड नहीं है तो मैं इसके बारे में अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूं कि आप SBI योनो ऐप में सिर्फ एक ATM के माध्यम से कैसे अपना यूजर ID पासवर्ड बना सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ आप कैसे अपने बैंक अकाउंट से अपना जीमेल अकाउंट लिंक कर सकते हैं। वीडियो ऑनलाइन एंड ऑफर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आप जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आएंगे, मोबाइल में आने के बाद आपको अपना योनो SBI ओपन कर लेना है। इस ऐप को आप चाहे इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार से यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप MPIN या user ID दो माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे MPIN डालेंगे या आप user ID पर क्लिक करके user ID पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करके इसके भी माध्यम से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। चलिए हम अपने MPIN डाल देंगे। MPIN डालते ही हम अपने योनो SBI ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप व्यू बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट में बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा। तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं फिर से। तब आपको ऊपर कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको नीचे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस प्रकार से यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक के सारे डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, मोबाइल नंबर से लेकर एड्रेस वगैरह जो आपने बैंक में लिंक है, जैसे मोबाइल नंबर, नीचे एड्रेस आपका आ जाएगा। तो हमें ईमेल ID लिंक करना है, तो यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं ईमेल ID का ऑप्शन आएगा। यहाँ एक पेंसिल का निशान है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल ID अपना डालना है, जो आप ईमेल ID अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं। यहाँ आपको ऊपर ईमेल ID, वही नीचे वही ईमेल ID फिर से डालना है, यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना ईमेल ID यहाँ पे डाल ले रहे हैं। तो जो भी आप अपना ईमेल ID बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं वो आपको ईमेल ID यहाँ पे ऊपर डाल देना है। तो नीचे आपको वही ईमेल ID डालना है कंफर्म करने के लिए, जो आपने ऊपर डाला हुआ है वही ईमेल ID आपको नीचे भी डाल लेना है। जैसे आप डाल लेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, डालने के बाद जैसे हमने डाला हुआ है यहाँ वही ईमेल ID नीचे भी डाला हुआ है। तो यहाँ सबसे नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डालना है। आपने अगर प्रोफाइल पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है योनो ऐप का तो हम अपने चैनल पे इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डाल ले रहे हैं।
और बिना प्रोफाइल पासवर्ड के आप योनो ऐप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कोई कनेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आइकन पर क्लिक कर देंगे तो हम इस पासवर्ड को देख सकते हैं जो हमने डाला हुआ है, तो फिर से क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है सक्सेसफुली ईमेल आईडी सक्सेसफुली ऐड यानी अपडेट हो चुका है, यानी रजिस्टर हो चुका है। हमारा ईमेल आईडी हमारे बैंक अकाउंट से लिंक हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करके सर्विस रिक्वेस्ट में आएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पर आएंगे। प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी देखिए ये लिंक हो गया है। यहाँ दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ईमेल आईडी का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी लिंक हो गया है। इसी प्रकार से आप बड़े आराम से ईमेल आईडी अपना बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं।